मैं बनाने वाली हूँ हरी सब्जी, और इसको पहाड़ी में हम लोग बोलते हैं कापा। तो ये ना हमारे घर के आगे एक छोटी सी क्यारी है, वहाँ पे हुई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनती है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस नॉर्मल से जो पाउडर मसाले होते हैं या फिर नॉर्मल जो मसाले यूज़ होते हैं वही डालते हैं, और इस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत टेस्टी होती है, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है ये सब्जी। तो ये देखिए कितने अच्छी पत्तियाँ हो रखी है ना। तो घर की सब्जी यही होता है ना, अपने घर में जो सब्जियाँ होती हैं उनकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। और इसमें ना अगर सरसों का तेल हम लोग यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट मैंने अभी इसमें रिफाइन ही यूज़ किया है। और जीरा डालूंगी क्योंकि आजकल श्राद्ध है तो प्याज तो यूज़ होगा नहीं, बस जीरे में छौंक लगा के इसको बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनने वाली, जल्दी बनने वाली होती है ये सब्जी, क्योंकि इसमें कुछ भी ना ज़्यादा मसाले या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिंपल से जो हमारे मसाले होते हैं। हाँ, अगर सिलबट्टे में पिसा वाला जो मसाला होता है ना, धनिया, जीरा, मिर्च, तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है, बट मैं सिंपल से जो हमारे किचन में पाउडर मसाले रहते हैं वो ही मैं यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा इसको ना अगर बारीक करके कट कर लो तो ज़्यादा अच्छा बनता है, और मैं इसको ना बारीक कट कर लूँगी कि ताकि बच्चे ना अच्छे से खा लें। इसको ना 10 मिनट लगभग हम ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद और इसमें ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, और उसके बाद फिर इसमें मसाले यूज करेंगे। यह है चावल का आटा, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें चावल का आटा डाल दूंगी, और उसके बाद इसको 15 मिनट लगभग पकने के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था इसका, क्योंकि सिंपल से सब्जी है, सब लोगों को आता है बनाना, तो बस यही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ ना जो मेरा मॉर्निंग का और इवनिंग का आउटडोर क्लीनिंग रहती है ना, झाड़ू लगाना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं लगाती हूँ, क्योंकि डेली का रहता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। हाँ, इवनिंग में कभी कभी नहीं रहता, शाम के टाइम पे मैं डेली नहीं लगाती हूँ झाड़ू। जिस दिन ज़्यादा गंदा होता है तो उसी दिन लगाती हूँ, और सुबह डेली लगाती हूँ क्योंकि सुबह लगाना ही पड़ता है। क्योंकि ना घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और जिस दिन हवा आती है या बारिश होती है ना तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो उस दिन मैं फिर सुबह शाम दोनों टाइम लगाती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा होता है ना फिर अच्छा नहीं लगता है। और सुबह मैं लगभग 5, 5:30 बजे बाहर पे झाड़ू लगा देती हूँ, इसलिए मैंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि सुबह अंधेरा रहता है तो वीडियो नहीं बन पाती है। बस थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरा जो मॉर्निंग और इवनिंग का आउटडोर क्लीनिंग रहता है, वो जो यहाँ पे हमारा गेट है ना उसके आगे भी जो रोड है हमारी, तो वो वहाँ भी मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ। घर के चारों तरफ और जो घर के आगे रोड है वो झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा होता है। सुबह मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है झाड़ू लगाने में, और शाम के टाइम भी ऐसे ही होता है।
आजकल शाम के टाइम पे हम लोग डेली घूमने के लिए चले जाते हैं घर का काम करने के बाद, तो वही आप लोगों के साथ छोटा सा एक क्लिप शेयर किया है।